नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो झटपट बनके तैयार हो जाएगी और ये टेस्टी के साथ काफ़ी क्रिस्पी भी बनके तैयार होने वाली है। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका घोल तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच मैदा डाला है और मैंने यहाँ टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास टेबल स्पून नहीं है तो आप चम्मच से भी मैदा डाल सकते हैं, कोई भी एक चम्मच ले लीजिए, ताकि सभी चीज़ों का मेजरिंग हम एक ही चीज़ से कर सकें। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने दही डाला है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो दही डाला है वो खट्टा नहीं है, नॉर्मल दही का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें। तो पहले हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम घोल तैयार करेंगे। तो एक साथ हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो घोल है वो गीला हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। जलेबी बनाने के लिए मैंने उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो आसानी से अभी के टाइम में आपको घर में मिल जाएगा। हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी ये जो गिल्टियाँ अभी आपको दिख रही हैं ये ख़त्म हो जाए और जो हमारा घोल है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और ये घोल हमारा तैयार हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये हल्का सा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। और अब हम इस जलेबी का थोड़ा अच्छा कलर लाने के लिए यहाँ पर मैं बस 1 चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास रेड कलर या ऑरेंज फूड कलर है तो दोनों में से थोड़ा सा आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है इसलिए मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसका अच्छा कलर आने के लिए। मिक्स कर लेते हैं इसे। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, और जब तक ये हमारा घोल रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। तो अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे, और मेजरिंग कप से ये 200 ग्राम चीनी लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी लिया है, तो उसी कप से हम 1/2 कप पानी डालेंगे। गैस ऑन कर लेते हैं। गैस का आंच मैंने मीडियम कर दिया है और इसे हम पहले तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी हमारी अच्छे से घुल ना जाए। ये चीनी हमारी घुल गई है, अब हम गैस का आंच मीडियम और लो के बीच में कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि चाशनी हमारी हल्की सी गाढ़ी हो जाए। ये 5 मिनट हो गए हैं, चाशनी हमारी अच्छी गाढ़ी हो गई है। चाशनी को हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी को घुलने तक पकाना है। उसके बाद गैस का आंच मीडियम और लो के बीच में करके 5 मिनट इसे और पका लेना है। चाशनी को हमें इतना पकाना है कि जब हम इसे टच करके देखें तो दोनों उंगलियों के बीच में हल्का हल्का ये चिपके, बस। और ये चाशनी हमारी बनकर तैयार है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारी चाशनी जमी ना, इसलिए हम इसमें 2 बूंद नींबू का रस डाल देंगे, बस 2 से 3 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। इससे हमारी चाशनी जमेगी नहीं। तो अब हम इसे दूसरी तरफ रख देते हैं और चलते हैं अपने घोल को चेक करने के लिए। चाशनी हमने बना के तैयार कर ली है और घोल को रखे हुए हमें 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बस 1 पिंच के करीब, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। अगर हमने इसमें ज़्यादा बेकिंग सोडा डाल दिया तो जो हमारी जलेबी है वो तेल में डालते ही बिखर जाएगी, तो बस हमें 1 पिंच ही इसमें डालना है। मिला लेंगे इसे। तो मैंने बस चुटकी भर ही बेकिंग सोडा डाला है, उससे ज़्यादा आप मत डालिएगा। जलेबी बनाने के लिए या तो आप प्लास्टिक की पन्नी ले लें या कॉटन के कपड़े से भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे बॉटल में डाल के बनाऊँगी। तो हमारा ये जो घोल है इसको मैं बॉटल में डाल रही हूँ। अगर आपके पास सॉस की बॉटल है तो आप उससे भी आसानी से जलेबी को बना सकते हैं। और ये जो बॉटल है उसमें मैंने छेद कर लिया है, ताकि हमारी जलेबी अच्छे से बन जाए। अगर आप मोटी जलेबी चाहते हैं तो छेद आप थोड़ा मोटा करें। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। अगर आप चाहें तो घी में भी जलेबी को बना सकते हैं। तो थोड़ा सा डाल के चेक करते हैं कि तेल हमारा सही गर्म हुआ है कि नहीं। तेल हमारा बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, और डालते ही तुरंत ये बैटर जो है वो ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। जलेबी को तलते समय तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बस थोड़ा सा हमें तेल रखना है, जितने में हमारी जलेबी आसानी से तल जाए, आप देख सकते हैं। और एक बार में आप जितना जलेबी डाल के तल सकें उतना ही आप डालें,
और डालते समय ध्यान रखिएगा कि हाथ का जो मोमेंट है वो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है। और अगर जलेबी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, जलेबी है जलेबी तो टेढ़ी मेढ़ी भी चलती है, बस क्रिस्पी होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए। तो जब तक ये एक तरफ से सीखेगा उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। और आपने देखा कि और जैसे ही मैंने जलेबी का जो घोल है डाला वैसे ही ये ऊपर आने लगा, इसका मतलब कि बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो नीचे से इसे सिकने देते हैं, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो ये हल्का सा सुनहरा होने लगा है तो इसे पलट लेते हैं। जलेबी का जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, जिस प्रकार की आपको पसंद हो। और इसे तलते समय गैस का आँच मीडियम और लो के बीच में रखेंगे, तेज़ आँच पर नहीं तलेंगे। और ये देखिए हल्की सी सुनहरी हो गई है तो इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी जलेबी का। और तेल में से निकालने के बाद हमें इसे डायरेक्ट चाशनी में डालना होता है, नहीं तो चाशनी जलेबी के अंदर नहीं जाएगी। तो इसे अब हम चाशनी में डाल देते हैं और चाशनी में हम इसे डुबा के छोड़ देते हैं। और जब तक ये चाशनी में है तब तक हम दूसरी तरफ दोबारा से जलेबी को तलने के लिए डालते हैं। और ये देखिए चाशनी में से निकालने के बाद जलेबी के ऊपर कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है। जहाँ से हमें शुरू करना है वहीं से हमें उसे रोकना है। और देखिए तेल में डालने के बाद थोड़ी देर बाद ये ऊपर आ रहा है। और अगर आपको एक साथ तीन चार जलेबी बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप एक एक करके जलेबी बनाएं। और ये नीचे से हल्का सा सुनहरा हो गया है तो इसे पलट लेते हैं। जलेबी बनाते समय हमें बस कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है कि जब हम घोल को तेल में डालें तो तेल हमारा मीडियम गर्म हो, जलेबी को थोड़ा अगर शेप दे पाएँ तो ठीक है, नहीं दे पाएँ फिर भी टेढ़े मेढ़े शेप से जलेबी चलेगा, बस जलेबी का जो टेस्ट है वो अच्छा होना चाहिए, जलेबी क्रिस्पी होनी चाहिए। और ये हमारी जलेबी लाल हो गई है तो इसे निकाल के डायरेक्ट हमें चाशनी में डालना होता है ताकि ये जलेबी हमारी चाशनी को अच्छे से सूख ले। और इससे पहले जो मैंने चाशनी में जलेबी डाला था उसको मैंने निकाल लिया है और इसे डाल के डिप करने के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप पहली बार जलेबी बना रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, एक साथ आप ढेर सारी नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए आप आराम आराम से बनाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी स्वादिष्ट जलेबी बनके तैयार है। और इतनी सारी जलेबी हमने बस 4 चम्मच मैदे से बनाई है, तो बचे हुए समय का इस्तेमाल करें, आप भी इस जलेबी को बनाएं, खाएं, परिवार में सभी को खिलाएं। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को बनाते समय अगर आपको कोई भी समस्या आए तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में, तब तक के लिए बाय बाय।